फलाफल एक किस्म के पकौड़े हैं जिन्हें सफ़ेद छोलों के साथ बनाया जाता है। स्वाद होने के साथ साथ छोलों की वजह से फलाफल में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। फलाफल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ कुछ ताज़ा कटा हुआ धनिया, 5 से 6 कटी हुई तुरियां लहसुन की, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज कटे हुए प्याज, 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल के, 1 बड़ा चम्मच जीरा और नमक। 2 कप छोले ले रही हूँ जिन्हें मैंने ओवरनाइट पानी में पहले से ही भिगोकर रख लिया था। अब छोलों को मैं मिक्सी में मोटा मोटा पीस लूँगी। मैं इसकी पेस्ट नहीं बना रही, बस इतना ही ग्राइंड कर रही हूँ कि छोले अच्छे से टूट जाएं। अब पिसे हुए छोले एक बोल में निकाल लेंगे और बाकी सभी कटे हुए इंग्रेडिएंट्स और मसाले डाल लेंगे। फलाफल को और भी ज़्यादा क्रंची बनाने के लिए मैं इसमें 1/2 कप भुनी हुई मूंगफली डाल रही हूँ। अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे। फलाफल बनाने से पहले चलिए तेल गरम होने रख देते हैं। एक पैन में तेल लेंगे और तेज गरम कर लेंगे। जब तक तेल गरम हो रहा है, चलिए फलाफल रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सचर हथेली में लेंगे और उसकी टिक्की जैसी शेप बना लेंगे। अब एक एक कर फलाफल गरम तेल में डालेंगे और सेक को मीडियम कर देंगे ताकि फलाफल अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएं। फलाफल को पलट कर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने पर एक प्लेट में निकाल लेंगे। फलाफल एक मेडिटेरेनियन डिश है, पर जैसा कि आपने देखा, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। आप फलाफल को ओवन या फिर एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। ऐसा करने से फलाफल, जो कि प्रोटीन और फाइबर कंटेंट में हाई रहता है, वो लो इन फैट और लो इन कैलोरीज वाला फूड बन जाता है। 100 ग्राम फलाफल आपको 13 ग्राम तक प्रोटीन देता है। ये रेसिपी ट्राई करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको फलाफल कैसे लगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसी कई स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।